बिग ब्रेकिंग न्यूज अवशेष जमीन लाभ कर दिल्लर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल जमीन लाभ कर पाते प्रतिक्रिया प्रकाश कर देशजुरी एक्टा व्यापक चर्चा चला पर केजरीवाल जमीन लाभ कर सन्दर्भ केंबाटाओ नतुन खबर आए मुहूर्त चेस्ा कर बिग ब्रेकिंग न्यूज यह मुहूर्त जान चेस्ा करवशेष जमीन लाभ कर दिल्लर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डांगर खबर तो यह मुहूर्त जान चेस्ा करवर्तकालीन जमीन मंजूर कर मुख्यमंत्रीगढ़ दिल्लर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमीन मंजूर कर एक जून अंतर्तकालीन जमीन प्रदान कर आदालते उच्चतम न्यायालय जमीन प्रदान कर केजरीवाल डांगर खबर यह मुहूर्त पुनः दु जून न्यायालय हाजिर हो दिल्लर मुख्यमंत्रीगढ़ी अरविंद केजरीवाल सन्दर्भ केंबाटाओ नतुन खबर यह मुहूर्त जान चेस्ा करवशेष जमीन लाभ कर दिल्लर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतर्तकालीन जमीन मंजूर कर मुख्यमंत्रीगढ़ परवर्त पर्यात दिल्लर मुख्यमंत्रीगढ़ प्रतिक्रिया प्रकाश कर सूनार चेस्ा करहूर्त डांगर खबर तो एक जून अंतर्तकालीन जमीन प्रदान कर आप नेता तथा दिल्लर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जीत दिल्लर सुरा नीति केले बंदी आल मुख्यमंत्रीगढ़ और अवशेष आदालतर तरफों पर न्यायालय तरफों पर जमीन मंजूर करजरीवाल और आज दिन जीत इडिया चार्जशीट दाखिल करजरीवाल और अवशेष जमीन प्रदान कर न्यायालय देशों राजनीतर डांगर खबर यह मुहूर्त जान चेस्ा कर दिल्लर मुख्यमंत्री आप नेता अरविंद केजरीवाल जमीन अरविंद केजरीवाल जमीन लाभ कर उच्चतम न्यायालय जमीन प्रदान कर केजरीवाल देशों सर्वोच्च न्यायालय जमीन प्रदान कर केजरीवाल जीत विगत सत मेते जमीन लाभ कर कथा आल दिल्लर मुख्यमंत्रीगढ़ तक ल्यापक चर्चा चलि देशों राजनीति और अवशेष आज दिन जमीन लाभ कर एक जून अंतर्तकालीन जमीन प्रदान एक जून पर्यत अंतर्तकालीन जमीन मंजूर कर दिल्लर मुख्यमंत्रीगढ़ और उच्चतम न्यायालय देशों सर्वोच्च न्यायालय जमीन प्रदान कर दिल्लर मुख्यमंत्रीगढ़ पुनः दु जून न्यायालय हाजिर हो लगे केजरीवाल दिल्लर सुरा नीति केले अभियोग दीर्घदिन बंदी आल केजरीवाल और केजरीवाल बंदी हर पाते देशजुरी आपे प्रतिबाद सब्यस्त कर आम आदमी पार्टी प्रतिबाद सब्यस्त कर देशजुरी व्यापक प्रतिक्रिया सृष्टि और अवशेष आज दिन जमीन लाभ कर दिल्लर मुख्यमंत्री केजरीवाल और केजरीवाल जमीन लाभ कर पाते इतना उत्फुल्लित देशों आम आदमी पार्टी नेताकर्मी आम परवर्त पर्यात राज्य विभिन्न प्रांत केराज कर चेस्ा कर बर्तमान मुहूर्त देशों राजनीतर डांगर खबर जमीन लाभ कर केजरीवाल और केजरीवाल जमीन लाभ से इतिम्य उल्लेख कर दिल्लर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमीन लाभ कर तार पाते देशों राजनीति एक प्रकार व्यापक चर्चा चला पर देशों विभिन्न प्रांत आम आदमी पार्टी नेताकर्मी उत्फुल्लित परल्खित दृश्यांश देखा परवर्त पर्यात देशों विभिन्न प्रांत आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी नेताकर्मी कि प्रतिक्रिया व्यक्त कर चेस्ा कर बर्तमान मुहूर्त देशों राजनीतर डांगर खबर आम आदमी नेता आम आदमी पार्टी नेता तथा दिल्लर मुख्यमंत्री और यह मुहूर्त आम अरविंद केजरीवाल जमीन सन्दर्भ केंबाटाओ नतुन खबर आधिवक्तर मंत्य आई मुहूर्त अधिवक्त कि कैसे जमीन लाभ कर सन्दर्भ में मुहूर्त पुने पुने अधिवक्तर मंत्य शुनार चेस्ा कर जिस केस का कोई आधार नहीं है अब तक कोई सबूत नहीं है कोई कड़ी नहीं जोड़ पाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दो हियरिंग से पहले पांच सवाल पूछे थे इंटरिम बेल को लेकर, उस पर एक पर भी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे पाई। इसी वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल देते हुए एक जून तक वो प्रचार में रहेंगे और दो जून को उनको दोबारा सरेंडर करना है। सर क्या फर्क पड़ेगा इससे, अब इलेक्शन आ रहा है इसमें? देखिए अरविंद केजरीवाल जी देश के बहुत पॉपुलर नेता हैं, उनका चुनाव प्रचार में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी का जब प्रचार में वो शरीक होंगे तो जो नरेंद्र मोदी जी की बची खुची साख थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया है, तो अब ये मान के चले ये प्रचार आंधी कर
में रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडिया अलायंस की बहुत बंपर जीत होने जा रही है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या कि कहाँ ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस अभी रिटर्न में जब ऑर्डर आएगा उसके बाद और क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रचार के लिए पूरे देश में जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी अपनी पार्टी या इंडिया अलायंस के किसी भी हिस्से में जाकर प्रचार करने की उनको छूट दे दी गई। थैंक यू सर। অধিবক্তার মন্তব্য আছিল, আমি অধিবক্তার মন্তব্য শুনালো। যেহেতু এক জুনলৈ জামিন লাভ কৰিছে দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে, অরবিন্দ কেজরিওয়ালে জামিন লাভ মৌখিক অর্ডার কোর্ট নে প্রনাউন্স কিয়া, উসমে কোর্ট নে কহা কি অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কো 20 দিন কে লিয়ে ইন্টারিম বেল দি জা রহি হ্যায় 2 জুন তক, অর কোই ক্যাম্পেইনিং কে উপর কোই রেস্ট্রিকশন নেই হ্যায়, ও কিয়া কহ সকতে হ্যায় ইয়া কিয়া নেই কহ সকতে হ্যায়, উস পে কোই রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ নেই কি গই হ্যায়। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोलना। टुडे एट 2 पीएम द बेंच इन कोर्ट टू असेंबल फॉर दिस मैटर एंड इट प्रोनाउंस्ड अ वेरी शॉर्ट ओरल ऑर्डर। वी हैव नॉट येट सीन द रिटन ऑर्डर विच विल बी अपलोडेड इन द कोर्स ऑफ द डे एज वी अंडरस्टैंड, एंड इन दैट ओरल ऑर्डर द कोर्ट इंडिकेटेड दैट दे आर ग्रांटिंग इंटरिम रिलीज स्लैश बेल टू मिस्टर अरविंद केजरीवाल, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say during while he is out in these 20-22 days. Any further aspect we'll have to see the order and then only comment. We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है और जमानत देते हुए कहा है कि वो सारा कुछ जो भी प्रचार वगैरह है वो सब कुछ कर सकते हैं और उनको जो है 2 जून को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। आप ये फैसले को किस तरह से देखते हैं सर? ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। कोर्ट ने जो है इंटरिम जमानत ग्रांट की है और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से इस एक झूठे मुकदमे में আছিল অধিবক্তার মন্তব্য। আমি অধিবক্তার মন্তব্য শুনার চেষ্টা করছো। আজি এই মুকলি আকাশের তললৈ অহার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে কেজরিওয়ালের। এই অধিবক্তার তরফের মন্তব্য করা হয়েছে আজি মুকলি আকাশের তললৈ কেজরিওয়াল ওলাই অহার সম্ভাবনা ইতিমধ্যে প্রকট হয়ে পড়েছে আর এতিয়ারেপরা নির্বাচনী প্রচারতো অংশ লোব পারিব দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগুলো, যেহেতু 2 জুনত পুনর্বার আদালতত হাজির হব লাগিব। আর আজি মে'র 10 তারিখ, আজি 10 মে'ৰ পৰা 1 জুন পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচার সভাতো অংশ লোব পাৰিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। বর্তমান মুহূর্তত এটা ভাল খবর আম আদমি পার্টির নেতা কর্মী সকলের বাবে, দেশের রাজনীতিতে এক প্রকার তুলপার লাগি যাওয়া খবর। অবশেষত জামিন লাভ করিলে দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। পুনের 2 জুনত ন্যায়ালয়ত হাজির হব লাগিব কেজরিওয়াল। আমি অধিবক্তার মন্তব্য শুনালো এই মুহূর্তত। পরবর্তী পর্যায়ত যদি সম্ভব হয় কেজরিওয়ালের প্রতিক্রিয়া লওয়ার চেষ্টা করি। মুকলি আকাশের তললৈ যেহেতু আজি ওলাই অহার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে, আর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আগন্তক দিনত জুনের 1 তারিখ পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশ লওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো যেহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জামিন প্রদান করলে কেজরিওয়ালক, আর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে অবশেষত জামিন লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। পুনের 2 জুনত ন্যায়ালয়ত হাজির হব লাগিব কেজরিওয়াল। আজি মে'ৰ 10 তারিখ আর জুনের 1 তারিখ পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচার সভাতো অংশ লোব পাৰিব কেজরিওয়ালে। কেজরিওয়ালের জামিন লাভ করার পছতে রাজ্যের লগতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তত এটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এটা ডাঙর খবর পুনর্বার উল্লেখ করেছো। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে অবশেষত জামিন লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্রদান করেছে কেজরিওয়ালক। অবশেষত জামিন লাভ করলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে পুনের 2 জুনত ন্যায়ালয়ত হাজির হব লাগিব। 1 জুন পর্যন্ত জামিন দিছে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়, আর 2 জুনত আগন্তক 2 জুনত আদালতত
सर्वोच्च न्यायालय हाजिर हब लगे केजरीवाल बर्तमान मुहूर्त डांगर खबर तो आज मुक्ति आकाशर तल में अहार पूर्ण सम्भावना आज केजरीवाल और यह समग्र विषय सन्दर्भ में अधिवक्तार नतुन मंत्य आम पुनर्बार मंत्य शुनार चेस्ा कर मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। और अभी जितना ओरली बोला गया है ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में टुडे एट टू पी एम द बेंच इन कोर्ट टू असेंबल फॉर दिस मैटर and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order which will be uploaded in the course of the day as we understand, and in that oral order the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say during while he is out in these 20-22 days. Any further aspect we'll have to see the order and then only comment. We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है और जमानत देते हुए कहा है कि वो सारा कुछ जो भी प्रचार वगैरह है वो सब कुछ कर सकते हैं और उनको जो है 2 जून को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। आप ये फैसले को किस तरह से देखते हैं सर? ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। कोर्ट ने जो है इंटरिम जमानत ग्रांट की है और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से इस एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है और जमानत देते हुए कहा है कि वो सारा कुछ जो भी प्रचार वगैरह अधिवक्तार मंत्य आम अधिवक्तार मंत्य पुनपटिया सम्प्रचार जुगे शुनार चेस्ा कर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जमीन लाभ कर और तार पाते देशजुरी व्यापक प्रतिक्रियार सृष्टि हुआ परिलक्षित है। अरविंद केजरीवाल जमीन लाभ करार पाशत एक प्रकार उत्सवमुखर परिवेश सृष्टि आम विभिन्न प्रान दृश्यांश देखार चेस्ा करम कि प्रतिक्रिया प्रकाश कर आम आदमी पार्टी नेताकर्मी देशों विभिन्न प्रांत के परिवेश सृष्टि जीतु केजरीवाल 1 जून पर्यंत जी 2 जून पुनर्बार 2 जून न्यायालय हाजिर हब लगे 1 जून पर्यंत केजरीवाले निर्वाचन प्रचार सभा अंश ल सुविधा दिছে देशर सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन प्रचार सभा अंश लगभग दिल्ली मुख्यमंत्रीगढ़ और आज मुकि आकाशर तल में केजरीवाल ऊपर अहार पूर्ण सम्भावना आए और यह समग्र विषय सन्दर्भ अधिवक्त स्पष्टक उल्लेख कर आज मुकि आकाशर तल में ऊपर अहार सम्भावना आज केजरीवाल देशों विभिन्न प्रान मुहूर्त दृश्यांश देखार चेस्ा करजरीवाल जमीन लाभ कर खबर ওলোয়ার পাছতে এইদরে ব্যাপক ব্যাপক আনন্দ উৎসব দেখবলে পাওয়া গেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তর প্রায় মুহূর্তত পুনপটিয়া সম্প্রচার যোগে দৃশ্যাঙ্ক দেখাইছো अभी तो आगे आई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी।
पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, श्री केजरीवाल जी जिंदाबाद, श्री केजरीवाल जी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो आगे लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। देशर विभिन्न प्रान्तर प्राय मुहूर्त दृश्यांश देखार चेष्टा करिछो कि दरे केजरीवाले जमीन लाभ करार पाछते व्यापक प्रतिक्रियार सृष्टि करिछे। केजरीवाल जिंदाबाद ध्वनिरे एक उत्सवमुखर परिवेशर सृष्टि करि तुलिछे आम आदमी पार्टीर नेता कर्मीसकले। आरु देशर विभिन्न प्रान्तर आम आदमी पार्टीर नेता कर्मी उपस्थितित कि दरे आनन्द उत्सव पालन करिछे तेओंलोके तार दृश्यांश ए मुहूर्तत पुनपटिया सम्प्रचार जुगे জনার চেষ্টা করছো।